अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो सब लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उन सबको वेलकम करते हैं। और आज जो हम रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है टोमेटो सूप। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है यहाँ पर चिली सॉस, टोमेटो केचप, शुगर है हमारे पास, और अदरक और लहसुन को हमने बारीक काट लिए। जी हमने टोमेटोज़ लिए हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर। चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन ले लिया है और पैन में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक डालेंगे और इसको हल्का सा पकाएंगे। हमने बारीक नहीं काटा क्योंकि हम इसे स्ट्रेन करेंगे तो ये सब निकल जाएगा। पेस्ट नहीं लीजिएगा, इसका चॉप कर लें और वही डालें। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। हमने बटर नहीं ऐड किया, हमने सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड किया और वो बहुत थोड़ा सा लिया हमने। अब जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमने इसके बीच में से दो टुकड़े कर लिए हैं, आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे, थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। इसमें बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे। शुगर इसलिए ऐड की जा रही है क्योंकि टमाटर जो हैं वो बहुत खट्टे होते हैं और इनका टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसमें सॉल्ट और शुगर दोनों ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने बहुत थोड़ा ऐड किया था, शुगर हमने 2 टेबलस्पून ऐड किए। अब इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। आप देखें यहाँ पर टमाटर ने पानी छोड़ दिया अपना, पानी रिलीज़ हो गया इसका। अब इसमें हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे और चिली सॉस डालेंगे। रेड चिली सॉस है ये, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। टोमेटो सूप है, आप रेड चिली सॉस और टोमेटो सूप, टोमेटो केचप जो है इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, वो हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। यहाँ हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब ये पकता रहेगा इसमें, जब तक ये पक रहा है तब तक हम ब्रेड को रेडी कर लेते हैं जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। क्रोटोन्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड के पीसेस कर लिए और एक बेकिंग डिश को हमने ऑयलिंग कर ली और उस पर ये ब्रेड रखकर हम प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए इनको पका लेंगे, बेक कर लेंगे। और जब तक ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो तब हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें हम सूप के साथ सर्व करेंगे। यहाँ हमारे सूप में बॉईल आ रहा है, इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद इसको स्ट्रेन करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन हम इसमें कलर ऐड नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। अब ये देखें हम इसे अब स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद फिर हम इसे दोबारा से पकाएंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसको स्ट्रेन कर लेंगे।
सारे पल्प को अच्छी तरह से हम इसमें स्ट्रेन करेंगे। अब देखिए हमने इसे स्ट्रेन कर लिए, अब इसे पकाएंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, सीजनिंग करेंगे, चेक करेंगे हम इसमें। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड करके वो इसमें ऐड करेंगे और चेक करेंगे, अगर ये हमें कम लगा तो हम इसमें और ऐड करेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जितना हमें गाढ़ा चाहिए था हमने इसको उतना गाढ़ा कर लिया। अब इसे सर्व करेंगे। ये हमने डिश आउट कर लिया है, इसके साथ हमने जो क्रोटोन्स ब्रेड के रेडी किए थे वो भी इसके साथ हम सर्व करेंगे। और आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।